बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां बौखलायत जेएमएम अब गाली गलौज पर उतर गया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक आदिवासी बेटी को गाली दी गई है। जेएमएम सिंहभूम ने एक्स पर पोस्ट कर गाली दी है। बाइकर गर्ल के रूप में विदेश में पहचान बनाने वाली बेटी को गाली दी गई है। बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम और हेमंत सोरेन पर साधा है निशाना। चौपाई सोरेन ने पूछा, क्या यही है जेएमएम का मैया सम्मान? ये हो समाज का अपमान है, आदिवासी बेटी का अपमान है, चंपाई सोरेन ने लिखा है। और ये पोस्ट आप देख सकते हैं जिसपे ये जेएमएम पूर्वी सिंहभूम की तरफ से ये पोस्ट किया गया, ये गाली गलौज पर अब जेएमएम उतर चुका है। बौखलाया जेएमएम, सोशल मीडिया एक्स पर एक आदिवासी बेटी को गाली दी गई है। एक्स पर पोस्ट कर जेएमएम सिंहभूम ने एक्स पर पोस्ट कर गाली दी है। बाइकर गर्ल के रूप में देश विदेश में इस बेटी ने पहचान बनाई, जिसे गाली दी गई है बाबूलाल मरांडी ने। इसे लेकर जेएमएम और हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। चंपाई सोरेन ने पूछा है कि क्या यही है जेएमएम का मैया सम्मान योजना? यह हो समाज का अपमान है, आदिवासी बेटी का अपमान है। बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम और हेमंत सोरेन पर इसे लेकर निशाना साधा है। वहीं चंपाई सोरेन ने भी लिखा है, क्या यही है जेएमएम का मैया सम्मान योजना? ये बाइकर गर्ल जिसने देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है, इसे ही गाली दी गई है जेएमएम की तरफ से। बौखलाया हुआ है जेएमएम और गाली गलौज पर उतर चुका है सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया एक्स पर एक आदिवासी बेटी को गाली दी गई है। जेएमएम पूर्वी सिंहभूम ने एक्स पर पोस्ट कर ये गाली दी है। बाइकर गर्ल से इसका अकाउंट है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। आप ये जो स्क्रीन पे हम पोस्ट दिखा रहे हैं, इसी लड़की को गाली दी गई है। बाइकर गर्ल नाम से इसका अकाउंट है एक्स पर, जिसे गाली दी गई है। आपको बता दें कि बाइकर गर्ल जो है, बाइकर गर्ल के रूप में देश विदेश में इसकी ये पहचान है, जिस पहचान बनाने वाली इस बेटी को गाली दी गई है जेएमएम पूर्वी सिंहभूम की तरफ से। और बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर जेएमएम और हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। चंपाई सोरेन ने पूछा कि क्या यही है जेएमएम का मैया सम्मान योजना? क्या यही सम्मान दिया जा रहा है बेटियों को, महिलाओं को? ये हो समाज का अपमान है, आदिवासी बेटी का अपमान है, चंपाई सोरेन ने कहा है। और हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। शहनवाज, देखिए, अब बौखलाया जेएमएम जो है वो गाली गलौज पर तक उतर आया है। एक बेटी का अपमान किया गया है गाली गलौज करके। एक्स पर, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उसे गाली दी गई है। ये लड़की का जो अकाउंट बाइकर गर्ल के नाम से है, इसे गाली दिया गया है। अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी आई है, बाबूलाल मरांडी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, वही चंपाई सोरेन ने भी दी है। हाँ बेशक, ये कंचन नाम की लड़की है, बाइकर है, और झारखंड में भर में ही नहीं, पूरे देश भर में आदिवासी बालिका के रूप में विख्यात है जी। और अच्छा काम कर रही है, झारखंड के निवासी के तौर पर उसकी चर्चा भी है। अब उसके बारे में जेएमएम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अपशब्द कहे गए हैं उसको, और उसको एक तरह से गाली दी गई है। इस पर प्रतिक्रियाएँ भी आ रही हैं। बाबूलाल मरांडी ने भी मैया सम्मान योजना के बारे में पूछा है कि क्या यही है झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैया सम्मान। दूसरे गीता कोड़ा ने भी ट्वीट कर करके इसी प्रकार के अपने भाव को प्रकट किए हैं। बाबूलाल मरांडी के अलावा गीता कोड़ा तो हो ही गई, इसके अलावा चंपई सोरेन ने भी जी ये इस पर क्लास लिया है जेएमएम का, और कहा है कि ये बौखलाहट है, हार की आहट का ये रिएक्शन है। बहरहाल अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया भी प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल ये बहुत ही अशोभनीय है, एक बच्ची जो बाइकिंग करती है, पूरे देश में झारखंड का नाम रोशन करती है, आदिवासी बच्ची है, हो भाषा से ताल्लुक रखती है,
और पॉलिटिकल दावेदारी तो तमाम भाषाओं के संरक्षण की है और उसके निवासियों के संरक्षण की है, लेकिन इस तरह से अभी एक नई बात सामने में आई है और ये एक बहुत ही अशोभनीय बात है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए सुनाली कम है। शहनवाज, ये मामला क्या है जो ये गाली गलौज तक ये बात पहुंच गई और एक्स पर पोस्ट कर इस तरह से गाली दी गई? देखिए, बच्ची ने एक जो पहाड़न करके एक आदिवासी बच्ची थी जिसको कत्ल कर दिया गया था कई टुकड़ों में, दुमका के ही आसपास उसका कत्ल हुआ था संथाल में, उसको उसकी निंदा की है, उसके रिएक्शन में उसको गाली दी जा रही है कि तुम अपने बाप के बाप को याद करो। तो ये जो है कि मतलब तुम आदिवासी हो और आदिवासी को ही वोट दो और समर्थन दो, इस तरह का इशारा है। बहरहाल ये गाली गलौज का रूप ले चुका है, अब धीरे धीरे इस पर और भी रिएक्शन आएंगे। तो रोज़ नई नई कुछ बातें इलेक्शन के पन्ने में अध्याय में जुड़ती जा रही है झारखंड में, ये अच्छी बात नहीं है। झारखंड की ये परंपरा नहीं है, चुनाव तो हमसे हमेशा होते हैं झारखंड में, लेकिन इस तरह की चीज़ें पहली बार जुड़ रही हैं कि कोई टीचर किसी को फ़ोन करके धमका रहा है कि आप जो है लोगों को वोट देने के लिए हमने जिस तरह मोटिवेट किया है उसके खिलाफ काम न करें। ये सब चीज़ें जो हैं, खास करके अभी जो इसके साथ कंचन के साथ ये जो घटना घटी है, ट्विटर पर उसके अपशब्द कहा गया है, इसकी बड़ी तीव्र भर्त्सना और रिएक्शन सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इससे काफ़ी नाराज हो गए हैं और उन्होंने कई तरह की बातें कही हैं अपने ट्विटर हैंडल पर इसके रिएक्शन में, लेकिन मैंने जैसे कहा न कांग्रेस की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया है और न ही जेएमएम की तरफ से। बौखलाया जेएमएम, अब इस स्तर पर गिर चुका है, अब गाली गलौज पर तक आ चुका है, लेकिन रिएक्शन जो है अभी तक जेएमएम की तरफ से नहीं आ रहे हैं, ये बहुत ही अशोभनीय बात है। शहनवाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। एक बेटी को लेकर इस तरह से करना, उसे गाली गलौज देना और इस तरह इस निम्नतम स्तर पर उतरना, ये बहुत अशोभनीय है। अब देखना होगा कि जेएमएम की तरफ से क्या रुकाता है, क्या रिएक्शन आता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।